जीवन साथी आपका आपका शरीर है, और कोई हो या ना हो, आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम हो इसके असली जीवन साथी। हमेशा के लिए फिट रहो, अपना ख्याल रखो। पैसा आता है चला जाता है, रिश्तेदार दोस्त भी स्थायी नहीं है, ये भी मिलेंगे बिछड़ेंगे। कोई भी आपके अलावा आपकी शरीर की मदद नहीं कर सकता, इसलिए अपनी मदद खुद करनी होगी, खास तौर से अपने जीवन साथी की, अपने शरीर के लिए। प्राणायाम करें फेफड़ों के लिए, ध्यान करें मन के लिए, योगासन करें शरीर के लिए, चलिए दिल के लिए, अच्छा भोजन करिए हाथों के लिए, अच्छे विचार रखिए अपने आत्मा के लिए, और अच्छे कर्म कीजिए दुनिया के लिए कि परलोक में जाएं तो वहाँ भी सुख मिल सके। इसलिए आपका जीवन साथी कौन? आपका शरीर है, इसका ख्याल रखिए। तो कितनी अच्छी बात है। तो जितना आप तिजोरी में भर रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी तो खर्च करना शुरू करें ना। तो अगर आप नियमित हैं व्यायाम में, नियमित हैं प्राणायाम में, नियमित रूप से नींद ठीक से लेते हैं, ये नियम ही है जो आपको माला माल करता है दुनिया में। और कोई माला माल नहीं कर सकता, आपका नियम ही माला माल करेगा। और नियम बिगड़ गया तो यही आपको कंगाल बना देगा। इसलिए नियम को टूटने मत देना, आपका नियम लगातार जारी रहना चाहिए, चाहे व्यायाम का हो, प्राणायाम का हो, भक्ति का हो, सोने जागने का हो। इसलिए अपने नियम को बनाना शुरू कर दीजिए। नियम इतनी बड़ी चीज है, अगर भक्ति में नियम जुड़ गया तो ये आपका हाथ परमात्मा से को दिलाकर छोड़ेगा, और परमात्मा का हाथ आपको पकड़ा के छोड़ेगा। नियम अच्छी डोर है खुशियों के लिए भी, और नियम टूट गया तो खुशियों की डोर टूट जाती है। तो मैंने आपसे कहा उत्साहित रहना है, दूसरा आपसे कहा नियमित रहना है। दोनों शब्द आपकी पकड़ में आ गए। अब तीसरा शब्द आपने, और बीच में सोचना भी है, आप उत्साहित रहते हैं या अनुत्साहित निरुत्साहित, उत्साह या निरुत्साह, नियमित या कोई नियमित नियम नहीं। मुंह उठाकर जिधर चाह चल पड़े, जो मर्जी में आया कर लिया, जैसे चाह खा लिया, जैसे चाह सो गए। अगर आप बिल्कुल नियम नहीं निभाते हैं तो इसका मतलब ये है आपको अपनी जिंदगी कीमती नहीं लगती, आप खुद की परवाह नहीं करते। जो आदमी अपने समय का ध्यान नहीं रखता वो किसी के भी वक्त की कद्र नहीं करता। अपने वक्त की कद्र करोगे तो आप दूसरों की भी वक्त की कद्र करोगे। इसलिए आप कभी भी किसी को इंतजार करने का मौका नहीं दोगे, अपने समय से उठोगे, बैठोगे, जाओगे, पहुंचोगे। जरूरी चीज है आज से आप नियमित होंगे। तो मैं दोनों शब्दों के बारे में आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता भी तो लगना चाहिए। दोनों चीज़ें आपने सुन ली तो कल से कितने लोग नियमित होने का संकल्प ले रहे हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। वाह, बहुत अच्छी बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, अपने लिए तो जोर से बजा लीजिए। तो कल से नियमित हो जाइए, आज से हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज पूरी तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे, और कल से आप बिल्कुल शुरुआत नियम में चले, बड़ी बात है। हाँ, बीच में ये होगा कि हम नियम तो निभाते हैं, हमारा निभ नहीं पाता, टूट जाए, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो। कोई भी बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो गिरने को भूल जाता है, उठने को याद रखता है। अगर आपको भी उठना और आगे बढ़ना याद रहा और कितनी बार चोट खाई इसको भूल गए, तो निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। समस्या वहां आती है जब अपनी जिंदगी की चोटों को तो याद करते हैं, गिरने को तो याद करते हैं, उठने को और आगे बढ़ने को याद नहीं करते कि कितना हम आगे बढ़े हैं, कितनी चोट खाई इसको भूलो, कितना कितना आप संभल कर आगे चलते चले गए। इसे अगर याद रखोगे तो आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आनंद आएगा भी सही, और आप ज्यादा ताजगी अनुभव करोगे। तो उत्साहित और नियमित,
दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, आप अनुशासित हैं या लापरवाह, ये भी एक मजे की बात है। कुछ तो पकड़ के जाइए ना यहां से आप, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप यहां से जाएं और आपकी जिंदगी में कुछ चीजें जुड़ जाएं तो आप को देखकर लोग कहें कि आप पहले से कितने अच्छे और कितने बेहतर, क्या कमाल हो गए हो। तो आप ये कह सकें कि सत्संग में जाने से पहले और सत्संग से के बाद हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन आया, क्योंकि हमने केवल कानों से नहीं सुना, मन से भी सुना, हृदय से भी सुना, रोम रोम से सुना, और सुना ही नहीं चुना भी है, और चुना ही नहीं है जिंदगी में बुना भी है। अब हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हो गया। तो दो चीजें हो गई, अब तीसरी चीज पर हम चल रहे हैं, हम अनुशासित हैं या लापरवाह। एक शब्द और होता है बेपरवाह, एक होता है लापरवाह। बेपरवाह तो वो परवाह दुनिया की नहीं करे, परवाह करे तो ऊपर वाले की करे, और सुने अपने दिल की और अपने मन की, और ठान ले एक बार मन में तो उसे पूरा करके छोड़े, तो वो तो हो गया बेपरवाह। ध्यान रख लीजिए, बेपरवाह होना ये भी किसी किसी के बस की बात होती है, नहीं तो हम तो परवाह करते करते मर जाते हैं। इसकी तरफ देखें, उसकी तरफ देखें, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, इसने टोक दिया, उसने कह दिया, किस किस की परवाह करोगे भाई? इतनी परवाह करनी पड़ती है। और ये दुनिया है गिरगिट, बड़े जल्दी रंग बदलती है। आप कुछ करने लग जाएं, ये क्या शुरू कर दिया आपने, और आप फेल होने लग जाएं, मैं पहले नहीं कहता था ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, और अगर आप सफल हो गए, मैं कहता था ये करेगा कुछ ना कुछ, ये एकदम रंग बदलते हैं। तो इनकी परवाह करोगे आप, जो गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं उनकी परवाह करोगे? उनकी परवाह नहीं करना, वहां तो रहना बेपरवाह। परवाह करो अपने गुरु के वचनों की, और परवाह करो अपने परमात्मा के आशीर्वाद। जग रूठे रूठे ना रूठे मेरा मोहन प्यारा, मेरा भगवान ना रूठ जाए, मेरा गुरु ना रूठ जाए, मैं उससे विमुख ना हो जाऊं, वहां तो आपको परवाह करनी है, बाकी तो बेपरवाह होके रहिए और मोटी चमड़ी बना के रहिए। ये कुछ भी कहेंगे, आपको उदास करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, परेशान करेंगे, इनकी सबकी बातें सुन लेना जरूर, लेकिन दिल पर लगने मत देना। अगर दिल पर लगा बैठ गए तो ध्यान रख लेना, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक शब्द हो गया अनुशासित, दूसरा शब्द हो गया लापरवाह, और तीसरा मैंने समझाया बेपरवाह। तो बेपरवाह तो ठीक है, लापरवाह ठीक नहीं, क्योंकि भगवान सबकी सब चीजें माफ कर देता है, एक तो लापरवाही कभी माफ नहीं करता, प्रकृति के नियम है। लापरवाही की सजा सबको भोगनी पड़ती है, और वो छोटी नहीं होती जिसको हम साधारण मान लेते हैं। छोटी सी लापरवाही से हवाई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कितनी छोटी सी लगती लापरवाही, हवाई जहाज में बैठने के लिए जब पायलट जाता है ना, तो कई जगह एक वाक्य लिखा हुआ होता है जिसका सार ये है कि मैं अपना सारा तनाव, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी चिंता को भूलकर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शांत प्रसन्न होकर प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि इतने सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। अपनी पीड़ाएं अगर अपने घर की समस्याएं याद करके वहां बैठेगा, और कितने तो वो भी हैं तो जो वहां बैठ करके पीना शुरू कर देते हैं, कितने सारे जो है वो सस्पेंड हुए।
मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी केवल आपके लिए ही नहीं है, समाज में आपके द्वारा थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी चोट दे सकती है। आप जहां पर भी हैं लापरवाह न रहें, ना अपने घर में। आप लापरवाह रहे अपनी सेहत के बारे में, आपने नियम नहीं पालन किए तो आपके शरीर में बीमारियां आ गई। लापरवाह रहे अपने बच्चों के प्रति, आपके बच्चे उनकी आदतें खराब हो गई। लापरवाह रहे आप अपने घर के चीज़ों के प्रति, चीज़ें इधर से उधर बिखरने लग गई। कहाँ कहाँ इस लापरवाही को आप जोड़ सकते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए और ये सोच लीजिए कि आज से अनुशासित जिंदगी जीऊँगा, लापरवाह होकर जिंदगी को नहीं जीऊँगा। क्योंकि मैं जीवन को कीमती बनाना चाहता हूँ और इसे कीमती बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी ही है और इसकी शुरुआत मैं आज से ही करता हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि अनुशासित होती है फौज, आर्मी फोर्स, पुलिस फोर्स, एयर फोर्स, सब में अनुशासन है तो वो एक पावरफुल संगठन है। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो अनुशासन तो चाहिए। डायरी में अपनी अपने बारे में लिखें, कहाँ कहाँ कितना कितना अनुशासन चाहिए मुझे। बीच बीच में फेल हो दोबारा शुरू करो, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो और फिर देखो जिंदगी का मजा। अपने को सजाने में, अपने आप को बेहतर करने का आनंद ही कुछ और है। अब अगला शब्द और बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप ऊर्जावान रहते हैं या हर समय दुर्बल, निराश, हताश, होपलेस, हेल्पलेस? आज से ऊर्जावान रहना। ऊर्जावान कौन? कर्म योगी। इसको हम एक और शब्द में बोलेंगे, स्वयं सेवक बनकर जीना। इसे ध्यान से सुन लेना, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, इसलिए बीच बीच में धीमी गति के समाचार पढ़ रहा हूं ना, इसलिए कि आप इसे पकड़ सकें। तो आप स्वयं सेवक बने, आपको किसी की सेवा की जरूरत नहीं, आप मोहताज नहीं है किसी के भी कि मेरे लिए कोई आए, मेरे लिए कोई करे, घंटी बजा बजा कर किसी को पानी के लिए बुलाएं, दवाई पिलाने के लिए बुलाएं। नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगा, मुझे दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं कर्म योगी हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, मैं दूसरों पर निर्भर होकर जिंदगी नहीं जीता। याद रखिए, जो लोग अपनी जिंदगी और अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर करके जीते हैं, उनकी खुशियां कभी भी सच्चे रूप में उनको नहीं मिलती। क्योंकि खुशी उसी को मिलती है जो उस पर खुद पर डिपेंड करे, दूसरों पर डिपेंड ना करती हो, वही खुशी खुशी है। अब इसको समझाऊंगा मैं आपको। हमारी खुशियां डिपेंड करती हैं हमारे बच्चों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे अपनों पर, हमारे लोगों पर। तब आप क्या कहते हैं, मैं खुश तो रह लूं, कोई रहने तो दे। हमें तो मूड देखना पड़ता है, पति का मूड ठीक है तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई कहता है हमारी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट। हालांकि माँ बेटे का एक अलग रूप होता है। पूछा ना, बच्चा एक फोटो लेकर आया माँ का हंसता हुआ चेहरा और अपना भी हंसता हुआ चेहरा, अपनी माँ से जाकर कहता, माँ बताओ मुस्कुराहट मेरी अच्छी है या तुम्हारी, दोनों में अच्छा कौन लग रहा है? तो माँ क्या कहती है, मुस्कुराहट तुम्हारी ही अच्छी है बेटा, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट का क्या है, ये तो तभी आती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, इसलिए मुस्कुराहट तो तेरी अच्छी है। वहां तो ठीक है, अपनों को खुश करना ये गुण होना चाहिए। हमारे हृदय में यह भाव तो होना चाहिए कि हम अपनों के चेहरों पर खुशियां ला सकें।
अब मैं उल्टा करता हूं, आपकी मुस्कुराहट अगर दूसरों के कारण ही आती है, दूसरों पर डिपेंड करती है, वो सच्ची मुस्कुराहट नहीं है भाई। कोई मूड कैसा भी बनाए बिगाड़े, कोई कितना साथ दे कितना नहीं, आपकी अपनी मुस्कुराहट, आपकी खुशी आप पर डिपेंड करती है, तो फिर आपकी खुशी सच्ची खुशी है, नहीं तो ये खुशी सच्ची नहीं है। फिर तो आप ढूंढते ही रहोगे, मेरा भाई साथ देता तो मैं खुश होता, मेरा बेटा साथ निभाता तो मैं खुश होता, मेरा नौकर अच्छा होता तो मैं खुश होता, माँ बाप अच्छे होते तो मैं खुश होता। आप हर पल दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए आप खुश नहीं हैं। और अगर आपकी खुशी आप पर टिकी होती तो कोई कैसा भी होता, आप तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वैसे ही आनंद में रहते हैं। इसलिए आप अपनी खुशी को कभी भी दूसरों पर निर्भर मत कराइए, कर्म योगी बनिए, स्वयं सेवक बनिए। आदत डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी स्वयं सेवक होने के लिए। अपना काम खुद करना है, अपना लीडर खुद बनना है, अपने निर्णय खुद लेने हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा, देने लग जाएगा, हर चीज साथ देने लग जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन सभी से है, आप अपना काम खुद करने की आदत बना लो। और अगर आपने आदत बना ली तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप हर पल कर्म योगी अनुभव करते हुए ऊर्जावान महसूस करोगे। हम कर्म योगी हैं, हम कर्मशील हैं, हम कर्म योद्धा हैं, हम अपने कर्म क्षेत्र में अपने बल पर जीते हैं, दूसरों के बल पर नहीं। उधार की मुस्कुराहट काम नहीं आएगी, आपकी अपनी नकद मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपकी अपनी खुशी होनी चाहिए, आपकी खुद पर टिकने वाली मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने ढंग से रहना शुरू कर दीजिए। तो आज से इसकी भी तैयारी करेंगे कि हम अपनी खुशियों को दूसरों पर आधारित नहीं रखेंगे, अपनी खुशी अपने बल पर प्राप्त करेंगे। कोई कितना साथ दे ना दे, लेकिन हम अपने साथ में खुश हैं, अपने आप में खुश हैं। आज से अपनी जिंदगी को आनंद से परिपूर्ण बनाएंगे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग, दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 10 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र, आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं वृद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराष्ट्र के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।
हूँ।